और बल्कि ये भी माना जाता है कि लंबे रन में यानी कि लंबी अवधि में जो INSTC का रूट है वो स्वेज कैनाल के रूट को भी रिप्लेस कर सकता है, जो कि अभी तक कई सारे देशों के लिए स्टैंडर्ड रूट की तरह काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर IAS पर। सो स्वेज कैनाल का रास्ता जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड रूट माना जाता है, जिसमें इंडिया से यूरोप सामान पहुंचाने में 40 दिन लगते हैं, उसको टक्कर देने के लिए आ चुका है INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि मात्र इंडिया से यूरोप सामान पहुंचाने के लिए 25 दिन लेता है। एंड राइटली सो, ये वाला जो रास्ता है इट इज़ नाउ बिकमिंग अ गेम चेंजर पर्टिकुलरली फॉर इंडिया एंड रशिया, बिकॉज दोनों देशों ने INSTC का जो सही पोटेंशियल है उसके ऊपर कैपिटलाइज किया है, और इस तरीके से कैपिटलाइज किया है कि दोनों देशों का जो आपसी व्यापार है वो भी यहाँ पे 120% बढ़ चुका है अगर हम इसकी तुलना पिछले साल के व्यापार के साथ करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दो खबरें आपके सामने पेश कर रहा हूं। अमिड कर्ब्स इंडिया रशिया ट्रेड वाया INSTC बूम्स। आपको मालूम होगा कि कई सारे प्रतिबंध, कई सारे सैंक्शंस हैं जो कि रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन उन सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए इंडिया और रशिया का जो व्यापार है वो INSTC के रास्ते के माध्यम से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। बल्कि ये वाली खबर भी आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इंडिया रशिया ट्रेड इज अप 120% दिस ईयर सो फार, यानी कि अभी तक का जो पहले 6 महीने का डेटा सामने आया है, एज पर दैट दोनों देशों का जो आपसी व्यापार है वो ऑलरेडी 120% से बढ़ चुका है। सो हम लोग यहां पे सबसे पहले तो INSTC के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया और रशिया जो है वो इस रास्ते का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग जो ट्रेडिशनल रास्ता है जिसको कि हम लोग अभी तक इस्तेमाल करते आए हैं उसके ऊपर नजर डालें, तो वो रास्ता है स्वेज कैनाल का रूट का, जो कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर में देखने को मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड रूट। इसमें आपकी कहानी यहाँ से शुरू होती है, उसके बाद आप अरब सागर के थ्रू होके जाते हैं, देन यू एंटर द स्वेज कैनाल, वहाँ से आप एंट्री लेते हैं मेडिटेरेनियन सी में, उसके बाद पूरे के पूरे यूरोप को क्रॉस करते हुए आप लोग यहाँ पे रशिया तक पहुँच सकते हैं, जिसमें कि आपको रास्ते में नॉर्थ सी और बाल्टिक सी से भी होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके विकल्प में जो नए रास्ते की बात करी जा रही है, दैट इज दी INSTC, जिसमें आपकी कहानी शुरू तो मुंबई से ही होती है और उसके बाद भी आप अरब महासागर के थ्रू ही होके जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप वहां से होते हुए बंदर अब्बास में एंट्री लेते हैं जो कि ईरान का पोर्ट है, उसके बाद पूरे ईरान को क्रॉस करते हैं, देन उसके बाद आप कैस्पियन सी को क्रॉस करने के बाद आप यहां से अस्त्रखान से कैस्पियन सी से बाहर निकलते हैं, देन आप रशिया में एंट्री ले लेते हैं, और उसके बाद आप यहां पे मॉस्को एंड उसके बाद आप सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंच सकते हैं, जो कि एक वेस्टर्न रशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, और उसके बाद आप कंप्लीटली यहां पे यूरोप के किसी भी एरिया तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। सो ये रास्ता है जिसको कि हम लोग INSTC के नाम से जानते हैं। ये वाला जो रास्ता है ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबा रास्ता है, जो कि एक मल्टी मोडल नेटवर्क से बना हुआ है, यानी कि इसमें आपको शिप्स देखने को मिलेंगी, इसमें आपको रेल देखने को मिलेंगी, इसमें आपको रोड का भी रूट देखने को मिलेगा। इस रास्ते को बनाने के पीछे जो प्रमुख यहां पे पर्पस था, जो प्रमुख यहां पे उद्देश्य था, वो ये था कि हम लोग इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच में जो फ्रेट कनेक्टिविटी है, जो फ्रेट मूवमेंट है, उसको आसान कराना चाहते हैं। अल्टीमेटली मकसद ये था कि हम लोग जो ट्रेड कनेक्टिविटी है मेजर शहरों के बीच में, जैसे कि मुंबई हुआ, मॉस्को हुआ, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्रखान वगैरह वगैरह, इनके बीच में जो व्यापार के कनेक्शन हैं इनको हम लोग इम्प्रूव करना चाहते थे। बड़े मज़े की बात है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आज से लगभग 20 साल पहले सन 2002 में एनविसाज किया गया था। उस टाइम पे केवल इसमें 3 कंट्रीज थी, रशिया, ईरान और इंडिया, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो इसमें कई सारी कंट्रीज हैं जो कि एड ऑन हो चुकी हैं। आज की घड़ी में ऑलमोस्ट 13 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि आपको INSTC के अंदर देखने को मिल जाती हैं। इंडिया, ईरान, रशिया तो है ही, उसके बाद अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, टर्की, सीरिया एंड यूक्रेन भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा बल्गेरिया भी इस पर्टिकुलर रूट के अंदर एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में फंक्शन कर रहा है, क्योंकि इसकी मेंबरशिप टाइम टू टाइम बढ़ती आई है। ये क्लियरली बताता है कि लोगों में अंदर, कंट्रीज के अंदर इसकी जो लोकप्रियता है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, बिकॉज वो लोग भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रूट की जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा है। इसी रूट के पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, रशिया से आने वाला पहला रेल ट्रांजिट कार्गो था जो कि इंडिया में पहुंचा था ईरान के रास्ते से, यूजिंग दिस पर्टिकुलर INSTC वाला ही रूट। दिस वॉज द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द INSTC, द नॉर्थ साउथ रेलवे कॉरिडोर, द फर्स्ट रेल ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम रशिया टू इंडिया एंटर्ड ईरान ऑन ट्यूजडे थ्रू दी सराक्स बॉर्डर क्रॉसिंग। और ये वाला जो रूट था उसी टाइम पे रियलाइज हो गया था कि ये रूट आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, बिकॉज अगर आप इसकी तुलना करते हैं स्टैंडर्ड रूट या फिर स्वेज कैनाल के रूट के साथ, तो स्वेज कैनाल के रूट पे लगभग आपको 40 दिन लगते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर रूट पे आपको मात्र और मात्र 25 दिन लगते हैं, जिससे कि आप लोग यूरोप से भारत की तरफ आ सकते हैं। और अब आप देख भी रहे हैं कि इवन दो कई सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भारत और रशिया का जो आपसी व्यापार है वो INSTC के रास्ते से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर उसको लेकर कई सारा डेटा सामने आया है। इन्होंने बताया है दी INSTC हैज़ बिन फैसिलिटेटिंग अ हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया वाया ईरान पिछले 3 महीनों में। अगर हम देखें ईरान की जो शिपिंग लाइन्स हैं, दे हैव ट्रांसपोर्टेड सम 3,000 tons of good, 114 containers along the INSTC between May and July, यानी कि केवल 3 महीनों में, मई जून और जुलाई के महीनों में इन्होंने 114 containers को ट्रांसफ़र किया है और 3,000 टन ऑफ गुड से भी ज़्यादा के सामान को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है। बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि ईरान इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा जो है उत्सुक है, इतना ज़्यादा ईरान इस चीज़ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है कि उन्होंने आने वाले टाइम में 300 से भी ज़्यादा वेसल्स हैं जो कि इन्होंने पर्टिकुलरली एलोकेट कर दी हैं फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर, बिकॉज उनका ये मानना है कि इसके थ्रू व्यापार जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बल्कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस पर्टिकुलर रूट को कहा है इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट आर्टरी फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू पोर्ट्स इन ईरान एंड इंडिया, यानी कि ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आगे जाने वाले टाइम में ईरान और इंडिया के लिए, कि इसके चलते आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, क्रिएशन ऑफ न्यू बॉर्डर चेक पॉइंट्स, कार्गो कंसोलिडेशन टर्मिनल्स, क्लोजर इंट्रैक्शन बिटवीन कस्टम्स एंड अदर रेगुलेटर्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स स्टेट्स ऑफ द कॉरिडोर में आपको ये वाली इंट्रैक्शन देखने को मिलने वाली है। और बल्कि ये भी माना जाता है कि लंबे रन में, यानी कि लंबी अवधि में जो INSTC का रूट है वो स्वेज कैनाल के रूट को भी रिप्लेस कर सकता है, जो कि अभी तक कई सारे देशों के लिए स्टैंडर्ड रूट की तरह काम कर रहा है। अगर बात करें व्यापार की, तो यस, ये भी एक डेटा सामने आया है कि इंडिया रशिया का जो आपसी व्यापार है इट इज़ नाउ अप 120% दिस ईयर सो फार। आपके सामने मैं कुछ फिगर्स पेश करना चाहूँगा। अगर पिछले कुछ सालों का इंडिया रशिया का जो आपसी व्यापार के आंकड़े हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँ, तो सन 2010 से लेकर 2020 तक जो आपसी व्यापार था ये बेसिकली $10 billion के आसपास ही स्टैग्नेट कर रहा था। और 2021 में भी कहानी काफ़ी हद तक सिमिलर थी, पहले 6 महीनों में जो आंकड़ा था ये केवल 5.5 billion के आसपास ही स्टैग्नेट कर रहा था। इस साल पहले 6 महीनों में इंडिया रशिया का जो व्यापार है इट हैज टच्ड ऑलमोस्ट $11 billion। और यहां पर यह भी माना जा रहा है कि सन 2025 में इंडिया रशिया जो है दे विल टच रिकॉर्ड ट्रेड ऑफ $30 billion, जो कि काफी लंबे अरसे से दोनों देशों का एक उद्देश्य भी है। और वो भी क्यों ना, इस साल अगर आप देखें इंडिया ने रशिया से फर्टिलाइजर के इंपोर्ट्स को भारी मात्रा में किया है, इंडिया ने रशिया से कोल के इंपोर्ट्स को भारी मात्रा में किया है, रशिया बिकेम इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर। इस साल इंडिया और रशिया के बीच में जो ऑयल का ट्रेड है वो भी आपको काफ़ी भारी मात्रा में देखने को मिला है। और बल्कि आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए रशिया और इंडिया के बीच में अब पेमेंट सिस्टम्स को भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए बातचीत जारी हो चुकी है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है रशिया इंडिया में सून एक्सेप्ट ईच अदर्स रूपे एंड मीर पेमेंट सिस्टम्स, इसको लेकर भी बातचीत यहाँ पे चल रही है। सो ऑल इन ऑल इंडिया और रशिया का जो व्यापार है उसका जो फ्यूचर है वो भी हमें काफ़ी पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग अपने घर बैठ के UPSC की कोचिंग को शुरू करना चाहते हैं तो टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप इंडिया के बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट की मदद से अपनी तैयारी को पुश कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट और ये सभी की सभी चीज़ें के साथ साथ आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। एंड
एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यदि आप लोग टेस्ट बुक के पास के एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो उस केस में आपको 50% का स्ट्रेट अवे डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जाएगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।